आज हम बात करेंगे एम्पलीफायर्स की। तो नॉर्मली एम्पलीफायर्स यूज होते हैं हमारे घर के अंदर या आसपास, जो आप भी एम्पलीफायर देखते होंगे वो बेसिकली केवल दो ही तरह के एम्पलीफायर यूज होते हैं, एक होता है क्लास ए बी का और एक होता है क्लास डी का। जो क्लास डी का एम्पलीफायर होता है वो थोड़ा हाई क्वालिटी का एम्पलीफायर होता है और उसमें जो लॉसेस होते हैं हीटिंग की वजह से वो थोड़ा कम होते हैं। और अगर थ्योरेटिकली बात करें तो जो क्लास डी एम्पलीफायर है वो अपनी 100% एफिशिएंसी को अचीव कर सकता है थ्योरेटिकली। वहीं अगर हम क्लास ए बी की बात करें तो ये ए और बी का दोनों का मिक्सचर होता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है 75% के आसपास। यानी यदि आप 100 वाट इनपुट दे रहे हैं तो ये एम्पलीफायर जो आपको मैक्सिमम आउटपुट देगा वो 75 या 70 के आसपास आउटपुट देगा वाट्स में। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि जो क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है वो कहाँ यूज होता है और जो क्लास डी एम्पलीफायर होता है वो कहाँ यूज होता है। तो नॉर्मली जो भी आप सस्ते वाले एम्पलीफायर देखते होंगे या आप मल्टीमीडिया स्पीकर देखते होंगे, होम थिएटर्स जो सस्ते वाले होते हैं उसमें बेसिकली यही यूज होता है क्लास ए बी एम्पलीफायर। और जो मैक्सिमम आईसी होती हैं वो टीडीए की ही आईसी होती हैं, टीडीए 20-30, 20-40, 20-50 इस तरह करके मोनो या स्टीरियो आईसी यूज होती हैं। तो मेरे पास भी एक एम्पलीफायर है जो क्लास ए बी का ही है और उसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये आप सभी लोग घर में यूज करते ही होंगे, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते नहीं एम्पलीफायर, ये 2200-2500 की रेंज में आते हैं और इनकी रेंज स्टार्ट होती है 1800 या 1700-1600 के आसपास से इनकी रेंज स्टार्ट होती है, कुछ तो इससे भी कम प्राइस में आते हैं। तो ऐसे जो भी एम्पलीफायर आपको दिखते हैं या होम थिएटर आप जिसको बोल सकते हैं या मल्टीमीडिया स्पीकर बोल सकते हैं, उसमें बेसिकली ए बी क्लास एम्पलीफायर ही आता है। ए बी क्लास एम्पलीफायर की अगर बात करें तो इसमें एक जो सहूलियत हमें मिलती है कि ये बहुत ही सिंपल होते हैं, इतने सिंपल होते हैं कि बस आपको आईसी उठानी है, उसका डायग्राम देखना है यानी डेटा शीट देखना है, डेटा शीट में किस तरह से उसका कनेक्शन दिया वो देखना है और अब सीधे इसको कनेक्शन कर डालना है। जैसे अब हम इसी को खोलते हैं, ये है इस क्लास ए बी एम्पलीफायर का मेन बोर्ड। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें हीट सिंक लगी हुई है और उसी के ऊपर आप ये तीन, आपको दिख रहा है कि नहीं, ये जो ब्लैक कलर के तीन दिख रहे हैं ये तीन आईसी लगी हुई है क्लास ए बी की। और इधर अंदर बूफर लगा है, अंदर एक बूफर है और ये बूफर के सारे कनेक्शंस हैं। और जो इस साइड है, ये अंदर जो प्लेट आप देख रहे हैं इसमें दरअसल माइक्रो एसडी कार्ड और यूएसबी कनेक्शन है और एक छोटी सी आईसी लगी होती है, MP3 प्लेयर की आईसी होती है, नॉर्मली एक किट होती है छोटी सी और वो किट इसमें इंस्टॉल होती है। तो ये पार्ट अलग है और जो ये पार्ट है ये देख रहे हैं आप, इसमें तीन आईसी लगी है, एक लेफ्ट चैनल के लिए, एक राइट चैनल के लिए और एक बेस यानी सेंटर चैनल के लिए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है इसका और एक 12012 का ट्रांसफार्मर लगा है जिससे कि ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। ये 15-15 वाट की आईसियां हैं। इधर इसका इनपुट है, ये इधर इनपुट, इधर आउटपुट। आप इधर से इनपुट सिग्नल इन केबल के थ्रू 3.5 mm टू RCA जैक है, आप इसमें इनपुट देंगे और इधर स्पीकर कनेक्ट करके अपना आउटपुट चला सकते हैं। इस तरह के मल्टीमीडिया स्पीकर की खास बात होती है कि ये बहुत ही चीप होते हैं और ये साउंड भी अच्छी खासी अच्छी क्वालिटी में साउंड प्रोड्यूस कर देते हैं। अगर मान लीजिए आपका ये आईसी जल गई, ये जो तीन आईसी आपको दिख रही है, मेन वाली आईसी, तीन आईसी आपको दिख रही है, TDA 2030 आईसियाँ हैं और ये मार्केट में 35 से 30 रुपीज़ के बीच में अवेलेबल है चीपली। अगर आप आपको थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज है तो आप डायरेक्ट इसके आउटपुट टर्मिनल पे टेस्ट कर सकते हैं मल्टीमीटर से, इनपुट और आउटपुट टर्मिनल में अगर उसमें शॉर्ट सर्किट दिखाता है तब सिंपली इस आईसीओ को
चेंज कर सकते हो। और इसमें ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है जो ख़राब हो, या तो कैपेसिटर ख़राब होते हैं या तो आईसी ख़राब होती है। जब कैपेसिटर ब्लास्ट हुए तो आप उस रेटिंग का कैपेसिटर बदल सकते हैं, और आईसी ख़राब हुई तो 30-35 रुपये की आईसी मिलती है जो आराम से आप चेंज कर सकते हैं। इतनी बड़ी हीट सिंक लगी हुई है क्यों? क्योंकि हमने बताया कि ये 75% ही केवल इफ़िशियंट होते हैं, यानी जो बाकी 25% है ये अपना हीट में एनर्जी को लॉस करेंगे। और सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, आप सिंपल एक 12012 का ट्रांसफार्मर ले आएंगे। ये आप चाहे तो आप वेबसाइट पे TDA 2030 डेटा सीट डालेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे TDA 2030 तो आप इसकी पूरी डेटा सीट दे सकते हैं। और उस डेटा सीट में ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से इसका कनेक्शन करना है, यानी आपको एक सैम्पल सर्किट भी बना के दिया रहेगा। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स के थोड़े बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं तो आप उस सर्किट्स को देख के ये जान सकते हैं कि इस सर्किट में क्या क्या यूज हुआ है, और एक अपने से खुद से एक होम एम्पलीफायर आराम से आप एक बना सकते हैं। और ये जो बाकी आप इतने सारे इसमें कंपोनेंट देख रहे हैं, ये सारे केवल फिल्टरिंग के काम कर रहे हैं। ये सब, ये कैपेसिटर है, ये सब रेजिस्टेंस, ये सब केवल फिल्टर के काम आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि इसमें जो ट्रांसफार्मर है वो हमिंग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो उस हमिंग को सप्रेस करने के लिए आपको फिल्टरिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है क्लास ए बी एम्पलीफायर में। और ये आप ट्रांसफार्मर भी देख सकते हैं इसका कितना बल्फी ट्रांसफार्मर, और इधर एक 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट आउटपुट इसलिए कर रहा है क्योंकि आगे के जो सर्किट्स है, ये वाली सर्किट 5 वोल्ट से ऑपरेट होती हैं, इसलिए इसके लिए भी एक अलग से पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर में ही दी गई होती है। और इसके लिए एक रेगुलेटर भी यूज होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊँ, ये 7805 लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर आईसी इसको बोलते हैं, 7805 है। ये केवल इस बोर्ड को पावर देने के लिए 5 वोल्ट कांस्टेंट आउटपुट करती है। आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है। कुछ रजिस्टर्स कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, कुछ फिल्टरिंग कैपेसिटर लगे हुए हैं, उसके बाद केवल आईसी है और हीट सिंक। लो फ्रिक्वेंसी को सेपरेट करने के लिए अलग से एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगा हुआ है, या आप ब्लैक कलर का छोटा सा देख सकते हैं, 8 पिन का है वो। तो ये सब बूफर के लिए लो फ्रिक्वेंसी को अलग करता है ताकि उसमें केवल लो फ्रिक्वेंसी साउंड ही बजे। बाकी तो वही सिंपल डायोड या 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर इसमें लगा हुआ है, कुछ खास है नहीं। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो अपने घर पे भी बना सकते हैं, बस गूगल पे सर्च करिए कि TDA 2030 डेटा सेट, और बाकी सारे डेटा सेट में ही सारे कंपोनेंट इसके दिए रहते हैं। तो अब इसको बंद करते हैं और अब देखते हैं डिजिटल एम्पलीफायर। ये देखिए सोनी का एक होम थिएटर है। अब क्योंकि मैंने बोला था कि डिजिटल एम्पलीफायर थोड़े महंगे आते हैं, कॉस्टली आते हैं, क्योंकि उसमें सर्किटरी ज़्यादा यूज होती है, उनको एक फुल फिल्टरिंग पावर सप्लाई चाहिए होती है, उनको कोई हमिंग साउंड नहीं चाहिए होती है। अगर थोड़ा सा भी फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो तो वो फिल्ट्रेशन सीधे उनके आउटपुट पे शो होता है। जैसे आपको हमिंग साउंड कभी सुनाई दे तो समझ जाइए कि जो एसी फिल्ट्रेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, यानी एसी से डीसी में जो कन्वर्ट हो रही है पावर सप्लाई वो प्रॉपर नहीं कन्वर्ट कर रही है। तो मैक्सिमम जो डिजिटल एम्पलीफायर आते हैं, यानी क्लास डी के एम्पलीफायर आते हैं, उसमें आप SMPS का ही यूज देखेंगे। चलिए इसको हम खोल के देखते हैं। ये इसका कवर हम हटा देते हैं साइड में। अभी आप देखिए 1000 वाट की एक क्लास डी एम्पलीफायर है। अब आप इसमें एक देख सकते हैं कि 1000 वाट ये प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन आप इसकी हीट सिंक की साइज देख रहे हैं, इतनी छोटी छोटी हीट सिंक की साइज है। और वो केवल 40 वाट का था, जो क्लास ए बी एम्पलीफायर था हमारा वो केवल 40 वाट का था, और उसमें इतनी बड़ी हीट सिंक थी। और ये 1000 वाट का है और इसमें इतनी छोटी छोटी सी हीट सिंक लगी है। अरे डिजिटल एम्पलीफायर होते हैं, और आप ये देख रहे हैं, ये होते हैं SMPS। इसमें इतनी ज़्यादा फिल्टरिंग होती है क्योंकि इसमें हमिंग नॉइज 1% भी नहीं आनी चाहिए। अगर हमिंग नॉइज आई, यानी फिल्टरिंग में कोई दिक्कत हुई, तो सीधे क्लास डी एम्पलीफायर को इफेक्ट करता है। आप देखिए यहाँ पे, ये तो इसका ब्लू रे चैनल है, ये सोनी का मदरबोर्ड है,
ये स्पीकर्स के आउटपुट हैं इसके, 1000 वाट के स्पीकर यहाँ से कनेक्ट होंगे और ये उसके सारे आउटपुट हैं। तो बेसिकली बस यही दो जो एम्पलीफायर होते हैं ये घरों में यूज होते हैं, और जो डीजे उजे में यूज होते हैं वो भी क्लास ए भी ही एम्पलीफायर होते हैं, लेकिन उसमें ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, हाई पावर ट्रांजिस्टर इसको बोलते हैं। और उसके जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो टोरॉइडल ट्रांसफार्मर होते हैं, वो नॉर्मल इस तरह के ट्रांसफार्मर हैं तो उनके सर्कल ट्रांसफार्मर होते हैं जिसकी एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा होती है इनके इन ट्रांसफार्मर के मुकाबले। ये इसका डीवीडी ट्रे है, यहाँ से अगर आप ओपन करेंगे तो ये डीवीडी निकल जाएगी, क्योंकि ये ब्लू रे डिस्क है तो ब्लू रे डिस्क में जैसे नॉर्मली डीवीडी आती है उस तरह ये। इसका जो बोर्ड है, जो इसका एम्पलीफायर बोर्ड है वो केवल इतना छोटा सा है, देख रहे हैं इतना छोटा सा इसका एम्पलीफायर बोर्ड है, और ये 1000 वाट की जो पावर आउटपुट है वो प्रोड्यूस कर रहा है। और यही अगर ए बी क्लास का होता 1000 वाट का तो उसका कम से कम इतना जितना बड़ा ये दिख रहा है ना, इतना बड़ा उसका बोर्ड होता है केवल, वो भी एक साइड का, इतना एक साइड का बोर्ड और इतना एक साइड का बोर्ड। और फिर उसमें फिल्टरिंग के लिए जो सारे कंपोनेंट यूज होते हैं वो अलग से, और इतनी हीट प्रोड्यूस करता है कि फिर वो एक नॉर्मल आपका रूम हीटर की तरह वर्क करता है। अगर आप नॉर्मल रूम में रख देते एक छोटे से रूम में तो परफेक्ट हीटर की तरह वो वर्क करता। और उसमें फ़ैन तो इतने बड़े बड़े दिए होते हैं कि वो पीसी वाले फ़ैन को भी फेल कर दें। ज़रा इसको एक बार देखिए ध्यान से, हर एक पार्ट्स कितने अच्छे से अरेंज किए गए हैं, ये देखने में कितना अच्छा लगता है। एक एक केबल को अच्छे से राउट किया गया है, यहाँ से लेके पूरा बांधा गया है, यहाँ पे मदरबोर्ड में ही किसी भी बोर्ड में ही इसको पूरा अच्छे से पैक कर दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं वो ब्रिज रेक्टिफायर फुल ब्रिज, उसके बाद ये सब स्विचिंग ट्रांजिस्टर हैं, फिर ये हाई से लो फ्रीक्वेंसी के लिए ट्रांसफार्मर है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, हाई फ्रीक्वेंसी दो ट्रांसफार्मर यूज किए हैं इसमें, और यहाँ पे इनपुट के लिए फिल्टरिंग गजब यूज की गई है, डबल डबल फिल्टरिंग, एक फ्यूज भी है, थायरिस्टर एक है यहाँ पे बड़ा सा। इतनी अच्छी इंजीनियरिंग, लेकिन अच्छे खासे पैसे भी लगते हैं इन सब चीज़ों में। एक डिजिटल एम्पलीफायर है, शायद ये सोनी का पेटेंटेड एस मास्टर करके कुछ आता है, एस मास्टर डिजिटल एम्पलीफायर करके। अभी जो रूम का टेम्परेचर है वो 24 दिखा रहा है, और मेरा बॉडी टेम्परेचर क्या है, बॉडी टेम्परेचर मेरा 32 शो कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है 33 इसका बॉडी इसका टेम्परेचर क्या है। देखिए डिजिटल एम्पलीफायर का जो हीट सिंक है उसका टेम्परेचर 38°C है, केवल 38°C, ये कितने कूल ऑपरेट होते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और इसी तरह के और वीडियो अगर आपको देखना हो, अगर कोई टॉपिक आपको सजेस्ट करनी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए।